दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। रेवाड़ी स्टीम लोको सेट हरियाणा के जिले रेवाड़ी में स्थित है। यदि कोई पर्यटक यहाँ आना चाहता है तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन रेवाड़ी जंक्शन है, जो कि यहाँ से महज 700 मीटर की दूरी पर स्थित है। बात करें निकटतम बस स्टैंड की, तो निकटतम बस स्टैंड रेवाड़ी का नया बस स्टैंड है। निकटतम हवाई अड्डा IGI दिल्ली है। हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन रेवाड़ी का रेलवे स्टेशन है। यदि कोई पर्यटक रेल मार्ग से आता है तो उसको बता दें कि कृपया 8 नंबर प्लेटफॉर्म से बाहर निकलें। निकलते ही मात्र आपको 200 मीटर की दूरी पर रेवाड़ी स्टीम लोको सेट दिख जाएगा। 1893 में निर्मित यह भारत में एकमात्र जीवित स्टीम लोकोमोटिव सेट है। इस लोकोमोटिव सेट में भारत के अंतिम जीवित वाप इंजनों के साथ साथ दुनिया का सबसे पुराना अभी तक कार्यात्मक 1855 में निर्मित वाप इंजन फेरी क्वीन भी शामिल है। यह हेरिटेज म्यूजियम सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक खुला रहता है एवं प्रत्येक सोमवार को यह बंद रहता है। इस संग्रहालय को देखने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी, जिसकी कीमत है 20 रुपये। रेवाड़ी स्टीम लोको सेट की शुरुआत वर्ष 1893 में बॉम्बे बड़ौदा और सेंट्रल इंडिया रेलवे के अधिकार क्षेत्र में हुई थी। रेवाड़ी जल्द ही मीटर गेज रूट पर सबसे बड़ी जंक्शनों में से एक बन गया था। सेट भी भारत में सबसे बड़ा मीटर गेज लोको सेट था। इस लोको सेट में एक भव्य मंदिर भी है, जिसमें हमारे श्री हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। बोलो जय श्री राम, जय श्री हनुमान। उन्नीस सौ की दशक की शुरुआत में सेड में मुख्य रूप से पी श्रेणी के इंजन रखे जाते थे। सेड की लोको दिल्ली, बठिंडा, चूरू, फुलेरू आदि जगहों पर ट्रेन खींचते थे। हालांकि स्वतंत्रता पूर्व होल्डिंग्स के बारे में पता नहीं है, लेकिन सेड में 1980 से लेकर 1982 के बीच में 65 AMG लोको सेट थे। रेवाड़ी में 395 लोको ड्राइवर भी थे, जो इसे एक प्रमुख क्रू डिपो भी बनाते थे। रेवाड़ी का लोको कई बॉलीवुड फिल्मों का हिस्सा रहा है। इनमें गांधी माई फादर, रंग दे बसंती, गदर, सुल्तान, भारत, राइफलमैन, जसवंत सिंह जैसी कई उल्लेखनीय फिल्में शामिल हैं। इस लोको सेट में सबसे आकर्षणीय भाप का इंजन है फेरी क्वीन, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इसका कारण यह है, ये काफ़ी बॉलीवुड फिल्मों में अपना हिस्सा दे चुका है एवं ये भाप से चलने वाला भारत का सबसे पहला इंजन है जो आज तक मौजूद है।
एवं कार्यरत भी है। यह महीने में एक बार दिल्ली से रेवाड़ी चलता है। इस लोको शेड को दो भाग में विभाजित किया गया है, आउटडोर गैलरी और इंडोर गैलरी। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हर भाप के इंजन के बारे में जानकारी दी गई है। जो इंजन जहाँ खड़ा है उसके बगल में ही एक पोस्टर लगाकर दीवार पर यह बताया गया कि इस इंजन की क्या खासियत है, ये कब बना था, उसकी सारी विशेष जानकारी दी गई है। इस इंजन को सलमान खान ने अपनी फिल्म सुल्तान में यूज किया था। आउटडोर गैलरी में बाप इंजनों के साथ साथ आप देख सकते हो कि कैसे उपयुक्त होने वाले संसाधन जो कि रेल मार्ग को ठीक करने में काम आते हैं या उसे बनाने में काम आते हैं, जैसे ये रोलर आप स्क्रीन पर देख रहे हो, एवं अन्य चीज़ें यहाँ प्रदर्शित की गई हैं। एक छोटे से भव्य मॉडल में आप यह देख सकते हो कैसे भारतीय रेल कभी पहाड़ों में, कभी चट्टानों में, कभी नदी के ऊपर से पुल पर अपनी कठिनाइयों को पार करते हुए अपने यात्रियों को सुरक्षित उनकी जगह पहुंचाती है। साथ ही साथ इस भव्य मॉडल में आप ये देख सकते हो कैसे भारतीय रेल अपने सफर को तय करती है, एवं साथ के साथ जैसे जिस शहर में जाती है उनका पर्यटक स्थल एवं आने वाली कठिनाइयाँ एवं संसाधन कैसे वो अपना सफ़र पूरा करती है, जिसे देखकर बहुत ही दिल खुश होता है कि कैसे भारतीय रेल अपनी विरासत को यूं ही कायम रख रही है। यह रेलवे का एक ऐसा संसाधन है जिसमें रेल की दिशा बदली जा सकती है, जैसे कि उसका इंजन को यहाँ लाते थे एवं इसको घुमाकर उसकी दिशा आगे से लेकर पीछे बदल देते थे, जिससे वह जाकर ट्रेन में वापस जुड़ जाता था। इस लोको शेड में एक टॉय ट्रेन भी चलती है जो कि आपको आउटडोर गैलरी का पूरा एक चक्कर लगवाती है। इस विरासत शेड को खंडर से निकालकर खराब इंजनों के साथ बुलाकर वर्तमान भव्य स्थिति में वापस लाने की एक सफलता कहानी है, जिसमें समय पर धन लगाने के अलावा कुछ अच्छे लोगों का उत्साह और समर्पण भी शामिल है, जिन्होंने सभी बाधाओं को बावजूद असंभव को संभव बनाने का सपना देखा और उसे पूरा भी कर दिखाया। आज इस जगह को देखकर कोई भी यह विश्वास के साथ कह सकता है कि विंटेज मैकेनिकल इंजीनियर के अलावा यह प्यार के शर्म से कम नहीं है। यह जगह आगंतुकों के लिए विक्टोरियन युग में वापस ले जाती है, जहां रेलगाड़ियों राजघरानों को पीछे छोड़ देती थी और महाराजाओं और वायसराय को उन्हें निजी सैलून में ले जाती थी और बाप इंजनों को बोल बोला था। म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी, जिसमें ट्रेन के छोटे मॉडल एवं रेलवे में होने वाले उपयुक्त संसाधनों को रखा गया है, जिसमें दिखा गया है कि कैसे नए उपकरण हैं और पुराने उपकरण हैं,
पहले कैसे निशान होते थे, अब कैसे होते हैं, आप बाकी वीडियो में अच्छी तरह देख सकते हो। इस लोको शेड या संग्रहालय को देखने के लिए देश भर से लाखों पर्यटक यहाँ हर साल आते हैं। हालांकि भारत की राजधानी दिल्ली में रेल संग्रहालय है, लेकिन रेवाड़ी लोको शेड अपनी अलग ही पहचान कायम किया हुआ है, जो हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लोको शेड में एक कैफेटेरिया भी है एवं बगीचा बनाया हुआ है, जिसमें बैठकर आप आनंद ले सकते हैं एवं खाना पीना खा सकते हैं। इस लोको शेड की एक खास बात यह भी है कि यह भारत का सबसे बड़ा मीटर गेज लोको शेड था, जिसमें 106 से ज़्यादा मीटर गेज लोको थे और करीब 500 से ज़्यादा और करीब 395 लोको ड्राइवर काम करते थे। शेड में मुख्य रूप से पी श्रेणी के इंजन रखे जाते थे और आज़ादी के बाद YP और YJ श्रेणी के इंजन को रखा गया। जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हो, ये लोको शेड का वर्कशॉप है, जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं, जो इन लोको को ध्यान रखकर इनकी टाइम टू टाइम सर्विस एवं इनमें आने वाली खराबी को ठीक करते हैं और इनकी विरासत को कायम कर रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा हॉल बनाया गया है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इस हॉल में मात्र 20 से 25 लोग बैठकर एक बार में भारतीय रेल के इतिहास को देखते हैं। एक छोटी सी क्लिप दिखाई जाती है 15 से 20 मिनट की, जिसमें हम भारतीय इतिहास को देख सकते हैं, कैसे रेल ने अपना प्रदर्शन किया है और कैसे अपने विरासत को कायम रखा हुआ है। जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हो दोस्तों, ये है यहाँ का वर्कशॉप। इस वर्कशॉप में दीवारों पर इतनी अच्छी चित्रकारी कर रखी है एवं काफ़ी चार्ट लगा रखे हैं, जिन पर रेलवे में उपयुक्त होने वाले संसाधन एवं रेलवे में यूज़ होने वाले भाप के इंजन एवं अन्य चीज़ें जो भी रेल से जुड़ी हैं, उनके बारे में उनकी विशेषताएँ दे रखी है, जिन्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है कि कैसे भारतीय रेल अपने सफ़र को एक अच्छी तरह और सुरक्षित तय करती है। इस लोको शेड का सबसे आकर्षणों में से एक फेरी क्वीन भाप इंजन, जो आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये भारत का सबसे पुराना इंजन है। यह लोको शेड
चारों तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ एवं हरियाली भरा हुआ है। भारत के हर कोने से स्कूल के छोटे छोटे बच्चे यहाँ हर साल आते हैं, जिन्हें दिखाते हैं कि यहाँ कैसे भारतीय रेल का इतिहास था। मेरा अपना मानना यह है कि आप भी अपने बच्चों को लाएं और भारतीय रेलवे का इतिहास दिखाएं, कैसे उपकरण होते थे, कैसे क्या था। कृपया अपने बच्चों को साथ लाएं और इसका बारे में बताएं। बहुत अच्छा म्यूज़ियम है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कृपया अपने सहयोग से इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।